गोला थाना क्षेत्र के कौवाडील गांव में सरकारी ट्यूबवेल के पास एक महिला की हत्या कर आधा जलाया गया शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने अधजला शव बरामद किया। हालांकि महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई, वही आशंका यह भी है कि हैवानियत के बाद उसकी हत्या की गई है और फिर पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया गया है। पुलिस ने महिला की शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है। जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड ने भी सबूत जुटाए हैं। वहीं इस मामले में एसपी साउथ विपुल श्रीवास्तव का कहना है कि अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त कराई जा रही है। केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जब कोई काम किया तो कहीं आलस मत ज्यादा कुछ अदर्स कुछ मेटर नहीं लाया था, कपड़ा या साड़ी या इधर से कहीं से आए होंगे, फिर रास्ता पकड़ के आए होंगे और कहीं अगर बगल खेत पता नहीं है, यही पता हुआ है। में जिस हिसाब से मिट्टी लगी हुई है इधर ही से आना उसका प्रतीत हो। चप्पल मिट्टी लगी हुई जी सर। मैं गोला में एक वाड़ी तरिया गांव है। कल दोपहर के बाद करीब 3 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि वहाँ एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है जो जली हुई है। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र अधिकारी और SHO और उनकी टीम पूरे थाने की फोर्स गई, वहाँ पे शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। महिला का काफ़ी चोट है, ऐसे लगता है कि उसने प्रतिरोध किया होगा, फिर उसे जला दिया गया था। और ये एक ट्यूबवेल है, उस गांव के बाहर ट्यूबवेल के पास पड़ा था, इसमें डॉग स्क्वाड की हेल्प लिया गया और क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई है और शीघ्र ही इसका पहले शिनाख्त होगी, फिर उसके बाद उसके अनुसार वो जो भी है जिसमें अपराधी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर महिला की उम्र कितनी होगी, शादीशुदा थी या? महिला शादीशुदा है और लगभग 25-30 साल के बीच की उम्र लग रही है उसकी। बॉडी जल चुकी है, थोड़ा सा पैर और चेहरा कुछ बचा हुआ है, जिससे शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।